हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ये जो फुल मून है ये किस तरीके का इफ़ेक्ट लेकर आएगा ओवरऑल लव लाइफ में, आपकी एनर्जी किस तरह रहेगी इस फुल मून के दौरान, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, ये हम सबसे पहले मूनोलॉजी से देखेंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मैं इस फुल मून की कुछ खास बातें, कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। आप में से किन के साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला साइन, क्योंकि ये फुल मून कर्क राशि का है, यहाँ पर देखिए चार राशियाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, उसके अलावा सभी राशियाँ अफेक्टेड होंगी बट चार राशियों पर इसका असर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। कर्क राशि या लग्न वालों पर, मतलब कैंसर, जेमिनाई राशि या लग्न वालों पर, धनु राशि या लग्न वालों पर और मकर राशि या लग्न वालों पर, इन चार राशियों पर इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू अदर जोडियक साइंस। अब बात करते हैं फुल मून कर्क राशि में क्या असर दिखा सकता है। देखिए कर्क राशि क्या बताती है, कर्क राशि बताती है माता को, मून की राशि है, चंद्रमा की खुद की स्वयं की राशि है, चंद्रमा ही इसके लॉर्ड हैं। तो डेफिनेटली चंद्रमा की स्वयं की राशि है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस इसको ज़रूर मिलेगा फुल मून में, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आपको दिखेंगी लव लाइफ में। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट, सबसे पहला साइन, मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। मदर की इमोशंस पर बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखेगा, स्पेशली थोड़ा आपको नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा दिख सकता है। आपकी मदर को वॉमिट से रिलेटेड, पेट दर्द से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है 2-3 दिन के अंदर। दूसरा साइन, आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये जो फुल मून है ये आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है या नेगेटिव, तो आपको क्या देखना है अपने अंदर। अगर आपकी एनर्जी, आप एक्टिव हैं, आप बिल्कुल भी लेज़ी फील नहीं कर रहे हैं, आलस नहीं आ रहा आपको, आपको कोई काम कहा जा रहा है फटाफट से कर दे रहे हो, अपने भी जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हो उसको आप बहुत ईजिली आप निपटा ले रहे हो, आपके इमोशंस अगर कंट्रोल में हैं, अगर आपको कहाँ कितना बोलना है ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर अब फुल मून न्यू मून का कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं दिखेगा। हाँ, अगर इसके ऑपोजिट आप बहुत आलस के साथ रह रहे, सुबह आपका सोकर उठने का मन नहीं कर रहा, लेजीनेस वाली एनर्जी है, ऑफिस नहीं जाने का मन कर रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है या मेरा हेड बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, झंडू बाम लगा कर सोने का मन कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बस एक जगह पे बैठे रहो या लेटे रहो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, या आपके ज़ुबान से कुछ भी निकल जा रहा और बाद में आप उसको और बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो एक्सट्रीम आ रहा है, इरिटेशन हो रही है तो एक्सट्रीम इरिटेशन हो रही है, रोना आ रहा है तो एक्सट्रीम रोना आ रहा है, तो ये क्या है, कर्क राशि का नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि कर्क सबसे इमोशनल राशि है। तो जो भी एनर्जीज पर इनका ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको नोटिस करना है कि आपके साथ कौन सी चीज़ें हो रही हैं। प्लस थर्ड साइन, आपके शरीर पर भी इसका इफेक्ट दिखेगा। सडनली अगर आपकी राइट आईज में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगे, सडनली अगर आपके राइट शोल्डर या राइट लेग में वाइब्रेशंस होने लगे, फड़कना जिसे कहते हैं, या आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो जाए, ऐसा लगे जैसे आपके छाती पर किसी ने बोझ रख दिया है, तो आप समझ लें कि आपके लिए ये एक साइन है कि आपको मून की तरफ से एक इंडिकेशन दी जा रही है। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो चंद्रमा स्वयं खींच रहे हैं,
आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसकी पावर को ख़त्म किया जा रहा है इस पूर्णिमा की एनर्जी में। ऐसे में आपको क्या करना है, इसको और बूस्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। हो सके तो शिव के मंत्रों का जाप करें, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। शिव तांडव स्त्रोतम हो गया, नमस्कार था मंत्र हो गया, ठीक है। शिव पुराण अगर आप पढ़ सकें, शिव पुराण में आप एक स्टोरी भी पढ़ सकें, क्योंकि देखिए शिव पुराण में आपको इतना इजी नहीं है कि आप फटाफट से पढ़ के पुराण ख़त्म कर दें। शिव पुराण में अगर आप एक बार शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, पूरे ऋषि मुनियों के जो भी पुराने एंशंट जो भी स्टोरीज़ हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के सारे स्टोरीज़ हैं, वो क्यों बने, क्या उसके पीछे कारण था, बहुत सारे जो उसमें रीजंस हैं, हर चीज़ का लॉजिकली जो रीज़न है उस ज्योतिर्लिंग के पीछे, वो सब कुछ उसमें है। एटलीस्ट ट्राई टू रीड वन चैप्टर, एटलीस्ट एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं हर फुल मून या न्यू मून पे, तो भी आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि किस तरीके का ये, क्योंकि देखिए लव लाइफ में इमोशंस का सबसे बड़ा रोल होता है, और ये जो फुल मून है ये इमोशंस पर अटैक करेगा। अब अगर इमोशंस पर पॉजिटिव अटैक कर दे तो बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले है, फिर तो आपका पर्सन भी, अगर स्पेशली अगर आपका पर्सन कर्क राशि का है, कर्क लग्न का है, तो इनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा गजब की होगी, बहुत प्यारी एनर्जी होगी अगर ये पॉजिटिव तरह से अटैक कर दे तो। और अगर इसी का उल्टा अटैक होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, इतनी ख़राब कि शायद 6 महीने लग जाएं रिपेयर करने में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कितना मिनट ले लिया मैंने, 7 मिनट, लेकिन ज़रूरी था। शुरू करते हैं मोनोलॉजी से, हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ वी हैव होल्ड योर विजन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, लुक एट द बिगर पिक्चर, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बिलीव इन इम्पॉसिबल, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इमोशंस आर रनिंग हाई, ये एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। और सेकेंड जो एनर्जी है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपने ठान ली है तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है और वो चीज़ें आपके भाग्य में हैं, बस डीले हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई रोक नहीं सकता। कई बार मैनिफेस्टेशन से, स्पेशली अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके भाग्य में जो नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो भी हो जाएगा। तो ये आप बिलीव करके, आप सच्चे मन से मैनिफेस्ट करें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए राइट टाइम है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए अपने रिश्ते में तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप बहुत टाइम से ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना मेरी गाड़ी पीछे बढ़ रही है, ना मेरी गाड़ी में कोई क्लैरिटी मिल रही है कि भैया मेरे साथ रहना भी है या नहीं रहना है, मेरे साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं रखना है, अगर इस तरह की वाइब्रेशन है किसी पर्सन की, आपकी या आपके पर्सन की, उसमें आप एक्शन लीजिए एंड टेक द क्लैरिटी। कोशिश कीजिए उनसे क्लैरिटी लेने की कि आप क्या चाहते हो, आप मेरे साथ रहना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ, आप किसी और के साथ रहना चाहते हो या आप अकेले रहना चाहते हो। एटलीस्ट क्लैरिटी लो कि आखिर क्यों आप वेट कर रहे हो, रीज़न क्या है वेट करने के पीछे, क्या आप जिस व्यक्ति का वेट कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए रेडी है नहीं है। यहाँ पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस की एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फाइनली फुल एंड फाइनल ब्रेकअप हो चुका है, आपको उनकी रियलिटी समझ में आ चुकी है, आपको ये पता चल चुका है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे थे या कर रही थी वो आपके लायक था ही नहीं या थी ही नहीं, और अब आपके मन में ये विचार है कि अगर मुझे उससे भूलना है तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ठीक है, और अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। सो मे बी यू विल ट्राई टू बिगन अ न्यू रोमांटिक साइकिल। कुछ लोगों के साथ ही ये रेजोनेट, ये कार्ड सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। और दूसरे सेंस में अगर हम देखें तो इस कार्ड का एक और मीनिंग है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से सेपरेशन है तो काफ़ी लोगों का एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, बट क्या
क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन के साथ आया है, इसलिए मैंने आपको ये एनर्जी भी बताई है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। काफ़ी लोगों के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होंगी, हो सकता है कि आपको अंदर ही अंदर घुटन होती हो, कि आप अपने रोने को दबाते हैं, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को दबाते हैं, आप अपने पर्सन से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट आपकी ज़ुबान तक आकर वो चीज़ें रुक जाती हैं सिर्फ डर की वजह से कि अगर आपने बोल दिया तो वो ब्लॉक कर देगा या ब्लॉक कर देगी। तो अगर इस तरह की एनर्जी है तो रिलीज़ करिए नेगेटिविटी, वरना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बीमारी के रूप में आपके शरीर से निकलने लगेगा अचानक। आप कभी देखिए बहुत ज़्यादा आप सप्रेस्ड होते हैं ना, तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी एनर्जीज़ को फुल मून या न्यू मून पे रिलीज़ कर दिया कीजिए। होल्ड योर विजन, अपने विजन को पकड़िए। आपका विजन हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में भागे, पॉजिटिव में भाग रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर चीज़ें नेगेटिव सोच रहा है और ये मेरा पर्सन इस वक्त उसके साथ है, उस चुड़ैल के साथ है या उस राक्षस के साथ है, अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं आपके मन में, मुझे कमेंट पढ़ के हंसी आती है, काफ़ी लोग ऐसे लिखते हैं, तो अगर किसी के मन में ऐसे विचार हैं तो अपने विजन को पकड़ो। पता चला वो नहीं भी है बेचारा, सीधा साधा इंसान है और आप सोच सोच कर ही उसको प्रेरित कर रहे हो कि तू जा भाई आगे बढ़ किसी और के साथ। तो ये नहीं सोचना आपको, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें रियलिटी में आपको दिखने लगती हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है आज की रीडिंग में। और आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज हैं? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। बैलेंस इज स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अ टाइम फॉर हीलिंग, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सबसे पहले तो एक टफ साइकिल से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ये हमने पिछले 3 दिन की एनर्जी में देखा। कल एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव थी बट उसके पहले की एनर्जी 2 दिन लगातार बहुत नेगेटिव थी, और मेरे दोनों ही चैनल पर नेगेटिव थी। ऐसा नहीं कि एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, ऐसा नहीं, दोनों पे ही सेम सेम एनर्जीज थी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी हैवी थी और आपके पर्सन की एक टफ साइकिल से वो बाहर निकल रहे हैं, ऐसी भी यहाँ पर वाइब्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मतलब आपके पर्सन को ये इंडिकेशन इस फुल मून में दिया जाएगा कि थोड़ा ताकत करके एक्शन लो। और ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मैं रेगुलरली सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। क्योंकि देखिए यूट्यूब में क्या होता है ना कि कुछ सेटिंग्स हमने लगा रखी हैं ताकि कुछ ऐसे जो नंबर्स होते हैं या कोई ऐसा है जो सेल्फ प्रमोशन करते हैं, तो कुछ वर्ड्स हमने ब्लॉकेज में डाले हुए हैं, जैसे 1 2 कुछ नंबर्स, ताकि कोई नंबर ना दे सके, कोई फ्रॉड आप लोगों के कमेंट के नीचे जैसे पहले नंबर देते थे, तो ब्लॉक वर्ड्स में वो सारी चीज़ें चली जाती हैं हेल्ड फॉर रिव्यू में। तो मुझे पर्सनली जा जा के हेल्ड फॉर रिव्यू में से निकाल कर कमेंट्स को मेन कमेंट्स में डालना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स जो हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली हेल्ड फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, और एडमिन हो या मैं हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादातर मैं ही पढ़ना पसंद करती हूँ, एडमिन को मैं उतना नहीं देती हूँ, तो अपने आप मैं सारे अप्रूव करती हूँ। तो उसी टाइम पीरियड में मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो उसमें मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स जो ये लिखते हैं कि मैम 100% रेजोनेट, और आपका ये रीडिंग रेजोनेट हो गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, यूनियन हो गया या शादी फिक्स हो गई, तो वो 100 डालने की वजह से नंबर वो डायरेक्टली चला जाता है हेल्ड फॉर रिव्यू में। तो मुझे बैठ बैठ के सारे रिव्यू से निकालने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ और इस वजह से सारे कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें ये अच्छी बात है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ें बताते हैं कि मैम ये एनर्जी रेजोनेट हुई, आज ऐसा हुआ, आज आपने जो बोला था वैसा हुआ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मेरी मेहनत किसी के काम आ रही है, किसी का रिश्ता बच जा रहा है या किसी का रिश्ता टूटने से अगर बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के कमेंट्स के लिए, हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में जो शिफ्ट है ये फुल मून का, इनकी तरफ से एक्शन लिया जाए, इस तरह की प्रेरणा इनको मिलेगी, अंदर से ये भावना आएगी कि नहीं मुझे अब इस रिश्ते को हाइड नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते को छुपाना नहीं है, मुझे इस रिश्ते में एक्शन लेना है, और जो पर्सन मुझसे प्यार करता है या करती है उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है, क्योंकि ये सही वक्त है। और
कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये इतना सोच रहे हैं लोगों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो इनको पहले जो डर था ना, वो डर इनका रिलीज़ हो जाएगा। इनको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी यहाँ पे स्थिर नहीं है, सब चीज़ बदलनी है। तो ये भी सही, और अ टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन खुद को हील करेंगे। इनको किसी तरह का धोखा मिला है, इनको किसी तरह का रियलाइजेशन हुआ है, जिसके बाद ये इनका समय है हील होने का। ये फुल मून इनको हील करेगा, इनके जख्मों को भरेगा जो पिछले 3-4 दिन से लगातार हैवी एनर्जीज थी। कहीं से झगड़ा हुआ, कहीं पे धोखा मिला, तो वो चीज़ें इनकी हील होंगी, या इनके खुद की अंदर की कोई नेगेटिविटी थी रिलीज़ होगी। थोड़ा भी अगर ये मंत्र सुनते हैं या भगवान के भजन सुनते हैं, आरती सुनते हैं, तो इनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी। और अगर बिल्कुल ही ये नहीं टाइम देते हैं डिवाइन को, तो फिर इनको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट अगर ये थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें तो इनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत कारगर होंगी। ठीक है, तो एनर्जी इनकी बैलेंस रहेगी, हील होंगे, रिकवर होंगे। अग्रेसिव एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पर्सन की, किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। वी हैव एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जय सूर्यदेव, वी हैव टावर, वन मोर कार्ड, कौन आएगा, द वर्ल्ड, वी हैव स्ट्रेंथ। तो गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में ये जो फुल मून है, ये इमोशनली थोड़ा सा हैवी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का है, और स्ट्रेंथ के साथ साथ वी हैव टावर, मीन्स डिवाइन इंटरवेंशन, एंड वी हैव द वर्ल्ड, मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, क्योंकि एंडिंग के साथ है, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब जो डेस्टाइंड है वो होकर रहेगा। और कैसी एंडिंग, यहाँ पर है फैमिली, सोसाइटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी है आपके पर्सन की लाइफ में। तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ चीज़ें रिलीज होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी वाइब्रेशन है। एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, किसी की सुन के नहीं लेंगे, किसी का सह के नहीं लेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई, सब कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखिए जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं बहुत टाइम से, जिस सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, वो सिचुएशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो चेंज के साथ साथ आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर होने वाला है। टावर क्यों आया है, टावर को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और डिवाइन इंटरवेंशन ये होगा कि आप दोनों का सबसे पहले तो जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की विश है कि ये आपके लिए स्टैंड ले, इनकी विश है कि ये आपके लिए लोग, समाज, सोसाइटी, जो भी बीच में आ रहा है उसके अगेंस्ट जाकर एक्शन ले, ऐसा इनकी प्लानिंग है। और जगलिंग सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज हो सकती है, यहाँ पर ये आपको मिस कर रहे हैं, तो सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में जो है वो एंड हो सकता है। द वर्ड क्यों आया है, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके ऊपर से जो बर्डन है कार्मिक रिलीज होंगे, 10-10 की वाइब्रेशन है। यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ कर्मा साइकिल, कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगे, और जो एक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये एनर्जीज रहने वाली हैं फुल मून की।
आपके पर्सन की। जय सूर्यदेव। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इमीजिएट एक्शन, इमीजिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। हार्ट चक्रा, डिसेप्शन एंड एनवी, सेवन नंबर, सेवन नंबर, वन नंबर, थ्री नंबर, सिक्स नंबर, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन। सो 369 यहाँ पर आया है गाइस, ऐसे दिखेगा ना आपको 369 एंजल नंबर। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और वी हैव 14, तो यहाँ 14 की वाइब्रेशन है और यहाँ पर है 77। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से छुप छुपा कर आपसे कुछ प्लान कर रहे थे, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इन्होंने क्या प्लानिंग की थी, क्या इनके घर में चल रहा था, क्या इनके लाइफ में चल रहा था, इन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। इनकी एनर्जी क्यों इतनी हैवी थी इन्होंने ये भी शायद आपको नहीं बताया है। हार्ट चक्रा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनका ओपन अप होगा, क्योंकि जो कर्क राशि है ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के कारक तत्वों में आता है छाती, चेस्ट, हृदय। फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और फोर्थ हाउस क्या, हमारा हृदय। तो हृदय की एनर्जी यहाँ पर आई है, आप सोचिए, क्योंकि मून की एनर्जी है और मून हृदय को कंट्रोल करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट चक्र ओपनिंग की वाइब्रेशन है और जब किसी व्यक्ति का हार्ट चक्र ओपन होता है तो वो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट होता है, डायरेक्टली अपने प्यार से कनेक्ट होता है, अपनी सोल से कनेक्ट होता है। तो जब ये अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो ये इनकी सभी इच्छाएँ अपने आप पूरी होने लगेंगी, मैनिफेस्टेशन जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुली वर्क करने लगेगी और यहाँ सक्सेस भी रिसीव होगी। और ये जो भी एनर्जी है ये आपसे कितने घंटे के अंदर रेजोनेट होगी, ये एनर्जी मोर देन 90% लोगों से 70 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट हो जाएगी। मोर देन 90% इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत टाइम से सेपरेशन में हों तो उनको 7 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से 70 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। पहला मैसेज है बैलेंस में रहो। इस एक कार्ड ने सारे कार्ड्स को गिरा दिया। बैलेंस में रहो, हारमोनी में रहो, बिना जजमेंट के, फ्रीडम। यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दो और कोशिश करो कि आप फ्री विल से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट कर सको। किसी के प्रेशर में आप मत रहो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। ये मैसेज है ज़्यादातर लोगों के लिए। अपनी पावर को जागृत करो। पीस की एनर्जी है, पीसफुल रहो। सेम सेम कार्ड आ रहे हैं और बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पीनेस। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहो और प्रसन्न रहो ताकि फुल मून की वाइब्रेशन ब्लेसिंग बने, कर्स ना बने। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।